स्वीट हार्ट प्लांट जिसका बॉटेनिकल नेम होया कैरी है। हमारे आसपास की नर्सरियों में अब्बल तो इतना बड़ा पौधा मिलता नहीं है, या प्लांट शॉप में जाइए वहाँ नहीं मिलेगा। एक एक पत्तियाँ इसकी यूं लगा के पॉट में करीब 150 रुपये से लेकर 450 रुपये तक की मिलती हैं। अगर ऑनलाइन आप मंगाएंगे और भी महंगा है। ये इतना प्यारा पौधा, हम सबके पसंदीदा, और सबसे बड़ी बात आपके घर की खूबसूरती बढ़ाता है, और एक एक पत्तियाँ भी इसकी गिफ्टिंग में काम आती हैं। आसपास आप लोग गिफ्ट करेंगे एक दूसरे को। तो इतना महंगा पौधा अगर हम नर्सरी से लाते हैं तो क्यों नहीं एक पौधे को ला करके 2 से 4 और 4 से 8 बनाएं। आज मैं आपको बताऊंगा इसके प्रोपेगेशन का सबसे आसान तरीका। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। आइए हम होया कैरी को 2 से 4 और 4 से 8 कैसे बनाते हैं साधारण तरीके से, वो मेरे साथ बने रहिए और सीखिए और खुद बनाइए। होया कैरी के बारे में आपने मेरे पहले वीडियो में देखा मैंने किस तरीके से होया कैरी को, उसके कैसी सॉइल चाहिए, कैसा वेदर चाहिए, कैसा पानी चाहिए, ये सारी बातें, कहाँ रख रखाव करें, सारी बातें मैंने आपको बताई। अगर आपने ये पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, आप देखिए। प्रोपेगेशन की अगर बात करें तो कहाँ से कटिंग लें और कैसे बनाएं, ये सबसे अहम बात है। कोशिश ये करें कि नॉट पर से, जैसे और हम कई प्लांटों के लेते हैं, इस तरीके से नॉट पर से हम कट करें। कोई भी चाकू लें, सीजर्स लें, मैंने कैंची को हाइड्रोजन पेरोक्साइड से साफ कर लिया है, जैसा मैं अमूमन किया करता हूँ। आपके पास जो भी हो, डिटॉल हो, सेवलॉन हो, एक बार इसमें जरूर लगा लें ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन आपके प्लांट में ना रहे। अब हम कटिंग करते हैं, तो कटिंग करने के लिए हम देखिए इस नॉट से कटिंग करेंगे। यहाँ से 2 पत्तियाँ निकल रही हैं, इस नॉट से हम कटिंग करेंगे, ये मैंने, और शार्प कटिंग करेंगे। ये मैंने कटिंग किया, एक मैं 3 कटिंग करूंगा और 3 कटिंग करके आपको बताऊंगा। देखिए दूसरा पौधा ये मेरे पास है, इस पौधे में भी इस नॉट से हम कटिंग करेंगे, 2, और एक और हमने ये कटिंग, तीसरी कटिंग इस नॉट से ले लिया है, ये मैंने काटा। ये 3 कटिंग मैंने नॉट से अलग अलग प्लांट से निकाल लिया है। अब इसको हम आगे के लिए लगाएंगे पॉट के अंदर। अगर आपके पास रूटिंग हारमोन्स हो तो जरूर लगाएं। अच्छा रूट और जल्दी रूट आने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। जब इस प्लांट की हम कटिंग करते हैं तो इसमें से दूध की तरीके से निकलता है। किसी किसी की इन चीज़ों से हाथ में एलर्जी हो सकती है, तो ज़रा ध्यान रखें। मैंने अब इसको ले लिया है, एक एक प्लांट को, चूंकि इसमें दूध के तरीके से लगा हुआ है, हम रूटिंग हारमोन्स का प्रयोग करेंगे। जितना आज हमको ज़रूरत है उतना ही रूटिंग हारमोन्स हम बॉक्स में से निकालते हैं, डब्बे में से निकालते हैं। मेरे 3 प्लांट में इतनी रूटिंग हारमोन्स से काम हो जाएगा। कभी भी बचा हुआ रूटिंग हारमोन्स इस पॉट में ना पलटे और ना ही प्लांट के इसमें डुबोकर रूटिंग हारमोन्स का प्रयोग करें, क्योंकि अगर किसी तरह का इसमें जर्म्स हुआ तो आपके रूटिंग हारमोन्स के पूरे डब्बे को ये ख़राब कर देते हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। मैंने ये पॉट एक उठाया और इसको मैंने इस तरीके से रूटिंग हारमोन्स में अच्छी तरीके से डुबो लिया। चूँकि इसमें थोड़ा सा गीला दूध था तो रूटिंग हारमोन्स इसमें चिपक गया। मैंने इनकी कटिंग में रूटिंग हारमोन्स लगा लिया है। अब पॉट में चूँकि होल ज़्यादा होते हैं, छोटे हैं, तो इस तरीके से कोकोनट हस्क इसके लिए मैंने थोड़ा सा नीचे में रख लिया। निकलेंगे नहीं ये, और ये नमी भी देता रहेगा। अब यही सॉइल हम इसमें भरेंगे, सिंपल इस तरीके से मैंने भरा। कोई भी आपके पास पिन हो उसको इस तरीके से यू शेप में आप मोड़ लें। ये यू शेप में मैंने पिन को काट के मोड़ लिया है। कोई तार हो, थोड़ी सी मोटी हेयर पिन हो, कुछ भी हो, ऐसा यू शेप में हम प्लांट के नॉट को केवल जिसमें हमने रूटिंग हारमोन्स लगाया है इसके बीच में ऐसे रख देंगे। केवल मैंने ऐसे रखा है और इस पिन की सहायता से इसका एक पत्तियों को मैं इस रूटिंग सॉल्यूशन के अंदर, पॉट के अंदर मैंने इसको दबा दिया। अब ये हिलेगा नहीं। ऊपर से इस कोकोनट हस्क की और चिप्स को मैं इसके ऊपर से मल्चिंग कर दूंगा।
ताकि ये भींगा हुआ तो रहे, पानी बिल्कुल ना रुके। इस तरीके से मैंने इसमें मल्चिंग कर दी है। ये सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका है प्लांट के रूट को जल्दी आने के लिए। ये मैंने आपको जैसे बताया था पॉटिंग सॉयल में, पॉट में इस तीनों ही प्लांट की कटिंग को मैंने अच्छी तरह लगा दिया। अब इसके ऊपर हल्का नहीं, खूब अच्छी तरीके से मैं पानी का स्प्रे कर दूंगा। ध्यान रहे कि दो दो मिनट के बाद आप करते रहें ताकि पानी भींगता रहे और नीचे तक जाता जाए। बस इस तरीके से हमने कर देना है। ये स्प्रे कर दिया मैंने, ज़्यादा फिर दोबारा करूँगा तिवारा करूँगा। तो ये प्लांट लगभग 20 से 25 दिनों के अंदर इसमें रूट आ जाएगी। देखिए मैंने कुछ पहले लगाए थे, केवल मैंने चारकोल में लगाया था, उसमें भी लगा सकते हैं। ऊपर में इसका मैंने ये हटा दिया और ये देखिए इसमें कितनी अच्छी रूट आ गई है। लगभग 20 से 25 दिन पहले मैंने इस प्लांट को लगाया था और इसी कटिंग से नॉट से लगाया था। और देखें आप, मैंने इस तरीके से इस कटिंग की नॉट से लगाया था पहले 20 से 25 दिन पहले, और इसको मैं हटा रहा हूं और आप देखिए कि कितना अच्छा ये इस सॉयल के अंदर में इसकी रूट इस तरीके से फैल गई है। और देखिए इधर से भी प्लांट निकल रहा है और ये भी निकल रहा है, ये रूट इस तरीके से फैल गई है। एक पत्ती से आपने प्लांट बना लिया, जब इतनी महंगी एक पत्ती लाते हैं तो क्यों नहीं हम घर में प्लांट बनाएं। और ये बन गया। आज मैंने आपको बताया कि होया प्लांट को प्रोपगेट कैसे करेंगे, आपने देखा। अब इसे आप ग्रो कीजिए और उसके बाद एक एक पत्तियों को इस तरीके से कट करके और इस पर मैसेज लिख करके भी आप आपस में एक जगह से दूसरी जगह कन्वे कर सकते हैं। ये था आपके स्वीट हार्ट प्लांट के प्रोपगेशन का सबसे आसान तरीका। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और होया कैरी को 2 से 4, 4 से 8 बनाने का आसान तरीका आपने समझ लिया होगा, जान लिया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपके मतलब का है, तो कृपया अपने दोस्तों के पास, मिलने वालों के पास, जो प्लांट प्रेमी हैं उनके पास इसको फॉरवर्ड ज़रूर करें। और सब्सक्राइब तो आप जरूर करेंगे ही करेंगे, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए पूरे वीडियो में। मिलते हैं जल्दी आपके साथ हमारे नए वीडियो में।